आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। नए वर्ष 2023 की आज पहली सुबह ही रीवा में कांग्रेस ने एक यात्रा निकालकर नगरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। कांग्रेस की इस यात्रा को संकल्प और परिवर्तन यात्रा का नाम दिया गया है। कांग्रेसजनों ने आम जन को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए आम जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है और वर्ष 2023 में सरकार बदलकर कांग्रेस सरकार को लाने का संकल्प लिया है। रीवा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई इस यात्रा में शहर व ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष सहित कांग्रेस के वरिष्ठ व युवा नेताओं के साथ साथ सैकड़ा भर से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि यह रैली यह याद दिलाने के लिए निकाली गई है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छल पूर्वक सरकार की कुर्सी पर कब्जा किया था। उन्होंने कहा कि अब जनता समझ चुकी है और समय आ चुका है बदलाव का, जिसकी अलख जगाने के लिए नए वर्ष की शुरुआत में ही संकल्प के साथ परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। रैली के माध्यम से कांग्रेस जनों ने शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया और कांग्रेस सरकार को वापस लाने का संकल्प लिया है। ये भैया ये रैली निकाली गई है, यह नव वर्ष नगरवासियों को बधाई और साथ साथ 2022 में रीवा नगरवासियों ने जो हमें महापौर के रूप में कांग्रेस पार्टी का सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद। यात्रा निकाली जा रही है और जो लूट की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे लूटा चोरी की उस सरकार को गिराया, जनता को यह बात याद दिलाने के लिए आज पहले दिन हम लोग निकले हैं कि यह लूट की सरकार को इस बार परिवर्तन करके बदलना है और भारतीय जनता पार्टी का जो ये विकास का मॉडल है, ये भ्रष्टाचार का मॉडल है, इसे खत्म करना है और रीवा के जो विकास पुरुष हैं विकास पुरुष को आईना दिखाने के लिए यात्रा निकली है कि अब रीवा की जनता जाग गई है। रीवा का व्यापारी, किसान, युवा, व्यापारी सभी रीवा विधायक कांग्रेस पार्टी का चुनने के लिए संकल्पित हो चुका है। यह यात्रा उसी के लिए